देश के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे आदरणीय सांसद शक्ति सिंह जी गोयल, राज्यसभा सदस्य हैं, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और राजीव सिंह जी, हमारे सहयोगी नरेंद्र सलूजा जी, आज इस विषय पर जिस पर चर्चा करना चाहती है पार्टी, उन पर आपसे जो है पहले परिचयात्मक रूबरू होंगे हमारे आदरणीय पार्टी के मीडिया अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी। हेलो, आपका हो गया कंप्लीट? इसी में बोलना भाई, चालू छोटा ये ठीक है मेरा, ये चालू इसको ये बोलना था। आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर भोपाल के मीडिया जगत के सभी परिवारजन, आज हमारे बीच में आदरणीय राज्यसभा के सांसद और देश के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह जी गोयल साहब, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा साहब, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय भूपेन गुप्ता जी, आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी और सभी अशोक सिंह जी हमारे कोषाध्यक्ष जी, सारे हमारे भाभी समेत सब प्रवक्तागण, सबका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही बड़ी खुशी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, संदर्भ मध्य प्रदेश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मापने के लिए फिर एक चुनाव सामने आया है। मैं बड़ी खुशी के साथ, उत्साह के साथ और इस भाव से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक लोकसभा का और तीन विधानसभा के चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 4 महीने से कर रही थी। कमलनाथ जी ने 3 महीने पहले सभी जगह के प्रभारी नियुक्त किए, मंडल सेक्टर और जो बूथ के चुनाव लड़ने की मशीनरी होती है उसको एकदम फिर से नया किया और मंडल वाइज प्रभारी लोकसभा में और विधानसभाओं में भेजे। पिछले हफ्ते सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग लोकसभा के संदर्भ में हुई थी और पूरी पार्टी हर तरीके से तैयार इस पार्ट को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार को, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी रोज जन दर्शन दे के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, उसका मुकाबला हम कर सकें। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय शक्ति सिंह जी से कि देश की आज की वस्तु स्थिति, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद का उनका देश के प्रति व्यवहार और युवाओं को का तिरस्कार, ये सरकार देश की कैसे करती है और पूरे देश को नशे की लत में युवाओं को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए कैसे डालती है, उसका पूरे देश में एक तरह से सवाल और जवाब हो रहे हैं। इस पर अपनी बात करने के लिए आदरणीय शक्ति सिंह जी को मैं अनुरोध भी करता हूँ, आमंत्रित भी करता हूँ। थैंक यू। हमारे मीडिया के इंचार्ज भाई जीतू पटवारी जी, सज्जन वर्मा जी, राजीव सिंह जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र सलूजा जी, अशोक सिंह जी, हमारे सभी प्रवक्तागण और मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे और आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आज एक गंभीर मसले पे आप सब से बात करना चाहता हूँ। चाणक्य जी ने कहा था, अगर किसी देश को बर्बाद कर देना है तो उस देश के युवाओं को, उस देश के नागरिकों को नशे के रास्ते चढ़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये चाणक्य जी ने कहा था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सुल्तान दिल्ली पे बैठे हैं,
दिल्ली की सल्तनत को अपनी सुल्तानी सल्तनत समझकर उनको इंटरेस्ट होता है कि आवाम का मैंडेट ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सीडी है, ईडी है, मैं किसी भी तरह से सरकार जनमत के खिलाफ तोड़ के अपनी सरकार बना लूँगा। सारी वो एजेंसीज उसी में लगा के रखते हैं। और दूसरी ओर जो देश हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है वो अपनी साजिशें बनाने में कामयाब हो जाता है। मैं 13 सितंबर 2021 को जो एक बहुत बड़ी बात माने पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे लोग चौंक उठे कि 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अदानी मुंद्रा पोर्ट के मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो कि डीपी वर्ल्ड दुबई का है, और ये टर्मिनल जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब वहाँ पे ये टर्मिनल बना, उस टर्मिनल से 3000 किलो हेरोइन इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत होती है 21000 करोड़ का हेरोइन हमारे वहाँ पकड़ा गया। और ये हेरोइन सेमीकट टेलकम पाउडर के फर्जी रूप में हमारे देश में लाया गया। अफगानिस्तान से निकला हुआ है हेरोइन वाया ईरान हमारे देश में लाया गया। आपको ताजुब होगा कि 21000 करोड़ का हेरोइन, हमारे देश के युवा धन को बर्बाद कर देने वाला हेरोइन देश में घुसा। और किसको पकड़ा गया? एक दंपति सुधाकर मछुराम एंड श्रीमती गोविंद राजू वैशाली, जो कथित तौर से 4 लाख के कमीशन एजेंट पे माल लाने के उसमें थे। असली कौन है, बड़ा मगरमच्छ कौन इसके पीछे, आज तक वो सामने नहीं आया। इससे भी चौंकाने वाली बात एक और हुई कि 9 जून 2021 ये जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक और बात सामने आई कि 9 जून 2021 में इसी अदानी मुंद्रा पोर्ट के आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मैसर्स हुसैन लिमिटेड ने 25000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत होती है 1,75,000 करोड़, छोटे मोटे राज्यों का टोटल एक साल का बजट होता है 1,75,000 करोड़ का हेरोइन, वो भी सेमीकट टेलकम पाउडर के फर्जी नाम से हमारे देश में लाया गया है। आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। ये साबित हो गया कि हेरोइन आया था 1,75,000 करोड़ का, पर वो किसके वहाँ गया, आज कहाँ है, किस नौजवानों को बर्बाद करने में इसका उपयोग हो रहा है, वो आज तक सच्चाई सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि देश के दुश्मन ये मगरमच्छ कौन है जो 21000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ की हेरोइन हमारे देश में घुसेड़ते हैं, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, किसी की कोई चू नहीं आ रही है, एक आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी। तो हम दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद ये दोनों जब चुप हैं
तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहती है। कुछ एक सवाल है कि 1,75,000 करोड़ और 25,000 करोड़ किलो हेरोइन ड्रग्स कहाँ गए, सरकार बताएं। मेरा दूसरा सवाल है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो DRI, ED, CBI, IB ये कहाँ सोए पड़े थे? क्या चौकीदार भागीदार था कि इतना बड़ा हेरोइन आया और किसी को पता नहीं चला? देश को सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र कौन बना रहा है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं? सारे ड्रग्स के तार तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं, हमारा सवाल है। क्या ड्रग माफिया सरकार में बैठे किसी सफेदपोश या सरकारी एजेंसियों का इसे कोई प्रोटेक्शन, कोई संरक्षण है क्या? हमारा सवाल है कि अदानी मुंद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं हो रही? और आखिरी सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री और ये सरकार देश की सुरक्षा में क्यों फेल हो रही है? क्या ऐसे में पूरे मामला, हम मांग करते हैं कि पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस के जरिए एक कमीशन बना के इसकी जांच हो, ये हम मांग करते हैं। गुजरात के पास 1660 किलोमीटर का दरिया किनारा है, पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ ये दरिया किनारा है। बंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त भी वो आतंकवादी गुजरात के पोरबंदर की कुबेर बोट को लेके गए थे, आपको याद होगा। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और उसी वक्त कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों रुपये दिए गुजरात को कि कोस्टल सिक्योरिटी का ख्याल रखे। 20 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो दरिया का किनारा लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी, कांग्रेस की उस सरकार ने, कौन सी सरकार है वहाँ नहीं देखा, पर गुजरात को करोड़ों रुपये दिए कि कोस्टल सिक्योरिटी में आप नाइट विजन कैमरे के साथ स्पीड बोट से पूरा सुरक्षा कीजिए। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने ऑडिट करके कहा कि ये गुजरात को जो बोट्स दी गई, ये वाडिनार की बोट है, आप देख सकते हो, 9 महीने से दरिया के किनारे पड़ी है। ये दूसरी बोट है जो सोमनाथ के लिए है, महीनों से दरिया किनारे पड़ी है, पेट्रोलिंग नहीं हो रहा। ये मेरा आक्षेप नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, जिनको थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है। मैं ACAG का रिपोर्ट जो इनकी पोल खोल करता है वो कॉपी में ईमेल कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी जीतू भाई को। आप में से जो डिटेल इसके ऊपर स्टोरी करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का ये सवाल है। और इसी वजह से आतंकवाद भी बढ़ रहा था और ये ड्रग्स घुसे जा रहे हैं। हिटलर ने ये काम किया था, जब हिटलर के खिलाफ उनके देश में गुस्सा बढ़ने लगा लोगों का, तो जो थोड़ा आप हिटलर का इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा
आजकल हम सबसे ज्यादा इतिहास पढ़ के उसका पालन मोदी जी कर रहे हैं शायद। हिटलर ने अपने देश में दारू बिल्कुल सस्ता कर दिया था मुफ्त के दाम पे, कि लोग नशे में रहें और भक्ति करते रहें। लोग नशे में रहेंगे तो देश बर्बाद होता है, उसकी चिंता नहीं, अपने मस्त रहो। शायद मोदी जी भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे पहुंचे तो पहुंचे, पर देश में ड्रग्स आने दो। देश बर्बाद हो तो हो, पर मेरी भक्ति होती रहे, क्या ये तो नहीं है? तो इन सभी बातों को लेके खास करके कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार ओपोजिशन के नाते चिंतित है कि करोड़ों का हेरोइन हमारे देश में घुसा है, हमारा युवा धन बर्बाद हो, हमारे नागरिक गलत रास्ते पे जाए, और जैसा चाणक्य जी ने कहा है कि देश बर्बाद हो जाए उसके खिलाफ हम ये आवाज़ उठाते हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो आपके सवालों का स्वागत रहेगा। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी कमरा छोटे होने से आप लोगों को असुविधा हुई है, उसके लिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। थैंक यू। शक्ति जी, नशे के खिलाफ और अवैध शराब के खिलाफ उमा भारती एक अभियान चलाने वाली है 15 जनवरी से। आपको लगता है कि जब बीजेपी के अंदर ही आवाज उठ रही है तो पूरे देश में शराबबंदी और ड्रग्स और नशे के खिलाफ कोई बड़ी कैंपेन चलाई जाएगी और कांग्रेस बीजेपी उमा भारती का समर्थन करेगी? देखिए, इस देश में नशे के खिलाफ किसी की भी आत्मा जागती है और कोई भी बोलता है, हम उनका स्वागत करते हैं। उमा भारती जी की आत्मा पहले भी एक बार जाग चुकी थी, और उन्होंने मोदी जी कितने फर्जी है उसके पर बहुत सारे प्रवचन गुजरात में दिए थे। गुरधन भाई जड़फिया उस मंच पे साथ रहे थे, यूट्यूब भी मौजूद है, और किसी को अगर जाँच सर्च करने में दिक्कत हो तो मेरी ऑफिस भी आपको वो वीडियोस भेजेंगे। तो जिनकी भी आत्मा राष्ट्र के लिए थोड़ी सी भी चिंतित है वो मोदी जी के इस रवैये के खिलाफ ज़रूर बोलेंगे, जागेंगे, और उन सभी का हमारी ओर से स्वागत रहेगा। देखिए, हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से स्टेट अपना काम करते हैं। हमारे वहाँ मेरी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ड्रग्स को लेके हैं कि जो नशा देश के युवाओं को बर्बाद करता है। मेरे गुजरात में प्रोहिबिशन महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि होने के नाते वहाँ पे प्रोहिबिशन बहुत कड़े कदमों के साथ वहाँ कानून भी थे। मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वो तो चाहते थे कि शराबबंदी को ही हटा दो गुजरात से, पर फिर लोगों ने कहा कि ये गांधी जी का गुजरात है, यहाँ लोग सहन नहीं करेंगे इसको, तो उन्होंने कानून बदल दिया कि शराब पीता हुआ बेचता हुआ कोई पकड़ा जाता था तो गुजरात में कानून था, कड़ी सजा होती थी। मोदी जी ने कह दिया कि पहली बार पकड़े गए हो तो सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दो, दोबारा पकड़े जाओगे तो 6 दिन अस्पताल में सेवा कर दो, आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सड़ा हुआ गुड़ जिसे देसी दारू बनती है वो रखना गुनाह था गुजरात में। मोदी जी अमेंडमेंट लेके आए कि नवसार रखो, सड़े हुए गुड़ को रखो, जिससे शराब बनती है वो चीज़ें रखो, तो कोई गुनाह नहीं है। तो इनको ही फिलोसफी है। हम कहते हैं कि देश का हर युवा नशे से दूर रहे। मैं खुद भी मानता हूं कि चाहे तंबाकू हो, सिगरेट हो, दारू भी ना पियो, पर ड्रग्स जो है, जो नारकोटिक्स में आता है, मेरी पार्टी की कहीं कोई भी सरकार है वो नारकोटिक्स ड्रग के मामले में थोड़ी सी भी चूक नहीं रखेगी और कड़े से कड़े कदम उठाएंगी, उठा रही है, और इसका मुझे पूरा फक्र भी है। पंजाब में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस्तीफा दिया है, आज बैठक भी हुई, अमरिंदर सिंह भी दिल्ली में है, मुलाकात भी कई बीजेपी के नेताओं से, क्या लगता है किस तरीके से संभाल पाएंगे पंजाब को?
देखिए, मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में विद इन पोलिटिकल पार्टी भी इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। और इसीलिए मेरे वहाँ आपको लगता है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो सबको जो लगता है इंटरनल डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का अधिकार है, जो बीजेपी में नहीं है। हरेन पंड्या, आरएसएस का बड़ा नेता, गुजरात का सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, उसने मोदी जी के खिलाफ कुछ सैद्धांतिक बातों का विरोध जताया, फिर उसका पॉलिटिकल मर्डर मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा कि इसकी टिकट नहीं काटोगे तब तक मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, और बीजेपी को ब्लैकमेल करके हरेन पंड्या की टिकट काटी। उसके बाद उसका फिजिकल मर्डर हुआ और हरेन पंड्या के पिताजी कहते रहे कि मेरे बेटे का कातिल नरेंद्र मोदी है। वहाँ पे चाहे केशुभाई पटेल हो, काशीराम राणा हो, बड़े बड़े लोग, और आज भी अडवाणी जी भी कभी कभी सही रास्ता दिखाते थे, तो उनको भी किनारे कर दिया गया है। मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, हमारा हाईकमांड हो, वो सभी की बात सुनते हैं। आखिरी पंजाब के मामले में जो हमारे पंजाब के इंचार्ज हैं, वो डिटेल में सबके साथ बात करके एट एप्रोप्रिएट टाइम एप्रोप्रिएट रिएक्शन होगा। हमारे वहाँ सुल्तानी नहीं है, हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है। एक दिन सुल्तान को ख्वाब आएगा कि गुजरात में माहौल खराब हो रहा है तो मुख्यमंत्री को हटा दो, उससे काम नहीं संभलता, पूरा मंत्रिमंडल हटा दो, नो रिपीट, कोई नया मंत्री पुराने मंत्रिमंडल से नहीं होगा, क्योंकि सुल्तान अपनी खाल बचाना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे वहाँ डेमोक्रेटिक वे में होगा। और पंजाब के इंचार्ज एज एप्रोप्रिएट टाइम एप्रोप्रिएट रिएक्शन एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म से जरूर देंगे। अमरिंदर सिंह की पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहा है और कन्हैया कुमार को पार्टी, क्या फायदा होगा? देखिए, किसी को भी जबरन पार्टी में रखा नहीं जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अमरिंदर सिंह जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने फेस भी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और बनते वक्त उन्होंने कहा था कि अगले, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगले वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करूंगा, मेरा ये लास्ट टर्म है, उन्होंने उस वक्त कहा था, और आपकी चैनल के सामने खुद भी उन्होंने कहा है। और मुझे खुशी है कि भाई कन्हैया कुमार, भाई जिग्नेश मेवाणी, इंटेलिजेंट, मेहनती, राष्ट्र की चिंता करने वाले युवा साथी, समझकर कि राष्ट्र के हित में ज़रूरी है कि आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जुड़ना चाहिए, वो जुड़े हैं। और मैं इस मंच से और युवा साथियों को भी अनुरोध करूंगा, आइए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी जी की लड़ाई में आप भी कांग्रेस में आइए। और कुमार को आप राष्ट्रवादी कह रहे हो, उन्हीं ने कहा था अब जल हम शर्मिंदा हैं। देखिए, इसके ऊपर पूरा कोर्ट का मामला भी चला, मोदी जी सुल्तान है, अगर राष्ट्र के विरुद्ध में उसने कुछ कहा था तो कन्हैया कुमार बाहर नहीं होता, आज जेल में होता। ये साबित हो चुका इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कन्हैया कुमार का एक लफ्ज इस राष्ट्र के खिलाफ नहीं था। अगर हम विश्वास रखते हैं हमारी जुडिशियरी में, न्याय व्यवस्था में, तो न्याय व्यवस्था की क्लीन चीट होने के बाद कन्हैया कुमार दिख रहे हैं सबके सामने, ना वो जेल में है, ना कोई इसके खिलाफ न्यायालय का कोई टिप्पणी है। ये एक डर्टी टैक्टिक डिपार्टमेंट बीजेपी का था कि किसी और की आवाज़ किसी और के मुंह में डाल के कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्रवादी युवा को बदनाम करने की साजिश थी, जिसमें वो सफल नहीं रहे थे। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है तो सुल्तान है, कर दे न्यायालय के सामने सारी चीज, डाल दे उनको जेल में। असल में कन्हैया कुमार का एक लफ्ज, कभी भी, मैं उसको नजदीकी से जानता हूं, वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र की चिंता करने वाला साथी है, उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है। सर, आप दिल्ली और बिहार के प्रभारी रहे, उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आया, आपने इस्तीफा दिया, अब आपके गृह प्रदेश में चुनाव है, क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, उम्मीद पूरी है, मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि
कभी 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 भीम ने युधिष्ठिर को पूछा था कि क्या सच सच की धर्म की बात करते हो, हम तो हारे जाते हैं, हारते हैं, हर दाव खेलते हैं, हार जाते हैं, वहाँ शकुनी कपट करता है और आप कहते हो कि सच के रास्ते चलो। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि एक आखिर युद्ध होगा, छुटमुट की लड़ाई हम हारेंगे, पर पानीपत का मेन युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र होगा, और उस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव हारेंगे, पांडव जीतेंगे। इसी तरह से वो इधर उधर का कुछ भी करे, हम सच के रास्ते चलते हैं, सच को परेशान किया जाता है, लंबे अरसे तक पराजित नहीं किया जा सकता। गुजरात के वोटर्स अब समझ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मिलके लड़ेंगे गुजरात में जनता के आशीर्वाद से। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, आपने देखा होगा 2017 में राहुल गांधी जी ने मेहनत की, भाई जीतूभाई हमारे वहाँ प्रभारी थे, सब ने वहाँ मेहनत की, लोगों के आशीर्वाद मिले। 17 सीट बहुत कम वोटों से हम हारे थे, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए हम लड़ रहे थे। आखिर में प्रधानमंत्री ने, लोकतंत्र में जो जायज़ नहीं है, प्रधानमंत्री स्टंटबाज क्या हो सकता है, पानी में प्लेन उतारना चढ़ाना, गुजरात में हर जगह भाषण करना, हिंदी में नहीं फिर गुजराती में आ गए थे, भाइयों बहनों आप नो दिखरो छू, मैं आपका बेटा हूँ, किस बेटे से गलती नहीं होती है, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं दिल्ली बैठ नहीं पाऊँगा, वोट दे दो। वो रो धो के बहुत पतले बहुमत से जीते थे, इस बार रोना धोना भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आखिर में पब्लिक है, सब जानती है। जी देखिए, अभी कोई कंडीशन करके युवा साथी नहीं आए हैं, मेरा हाई कमांड है, उसको जहां लगता है। वो कल मेरे साथ थे तीनों, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार जी, और उन्होंने कहा कि पार्टी जो रोल, और कहे कि हम एक सैनिक है, सैनिक का रोल सेनापति तय करते हैं, जो कहेंगे करेंगे। मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, उनका नीचे एक प्रोग्राम है, चालू हो गया। हाँ, आप पूछ लो। हाँ, ऑयल को लेकर आपने पूरी बात की कि ड्रग्स पूरा देश में आ रहा है, तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में मुख्यमंत्री बैठे हैं या सेंट्रल में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनकी शह पे ये काम हो रहा है? अगर उनकी शह पे नहीं हो रहा है, तो जो कहते थे कि मैं तो चौकीदार हूँ, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरी इजाजत के बिना, तो क्यों हो रहा? और छोटा मोटा नहीं है, आपके पास इतनी सारी एजेंसीज है, वो एजेंसीज सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में, कि भाई चलो मध्य प्रदेश के उन नेताओं का फ़ोन टैप करो, उनकी जासूसी करो, वो इधर नहीं आए तो उधर ख़त्म करो, ये सीडी बनाओ, ये नहीं करते तो ये नहीं होता। और मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट देखिए, उसमें कहा है कि सरकार, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपकी पेट्रोलिंग बोट यूज़ करो, नाइट विजन के साथ नहीं कर रही हैं, कहा गया था अलग जेटी बनाओ, पैसे दिए थे ताकि और लोगों को पता नहीं चले कि आपकी बोट कहाँ पेट्रोलिंग में जा रही है, वो जेटीज गुजरात में नहीं बनी, कोस्टल सिक्योरिटी के पैसे आपने बनासकांठा में या अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन बनाने में कर दिए, तो ऐसा काम किया है कि साफ दिखता है कि सरकार या तो नाकाम है या मिलीभगत है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू। कहीं पर भी कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन किसी भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, उनमें कहीं रिटन कुछ दिया है सबमिशन? यस, मैंने खुद नरेंद्र मोदी जी को सारे मुद्दे करते हुए और क्या करना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग सीएजी रिपोर्ट, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, सीएजी रिपोर्ट शायद ना देखते हो, तो वो भी भेजा। दुख की बात है कि इस देश में आज तक का लोकतंत्र का इतिहास ये रहा था कि आम नागरिक भी राजीव गांधी को चिट्ठी लिखते थे या इंदिरा गांधी जी को, तो प्रधानमंत्री उसका जवाब देते थे। मुझे नरेंद्र मोदी जी का जवाब इस पे आज तक नहीं मिला है। ठीक
राजस्थान पे जिसपे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस का नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि अब तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने बताया सीएजी की रिपोर्ट भी आपके पास सब है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, आप आगे क्या कर रहे हो? देखिए, ये आरोप हमारे पर लगता है कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पेट्रोल और डीजल के दाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर इसके साथ हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर पेट्रोल पंप पे हमने सिग्नेचर कैंपेन भी किया, हमने एजिटेशनल प्रोग्राम भी दिए, हमने हर जगह लोगों के बीच में जाके भी प्रोग्राम दिए, किसान का आंदोलन चला, हमने पार्लियामेंट में विरोध किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी की, और हमने किसानों के लिए हर ब्लॉक, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे हमने भी आंदोलन किया, सड़कों पे भी गए, लाठियां भी खाई, केसेस भी बने, और किसान जहां लड़ रहे थे उनके साथ भी गए। ये मामला जो है ये रोड पे उतर के इसका सॉल्यूशन नहीं है, जनता की अदालत में आपके जरिए रख रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर बने और सरकार इस देश को बर्बादी के रास्ते जाने से रोके। राजस्थान का सचिन पायलट बराबर नाराज चल रहे हैं, पिछले दो साल से देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बराबर सिंधियों में एक मिनट इनका हो जाए फिर अंडा। हाँ, छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है बराबर दोनों नेताओं में, सिंधियों जी में और बघेल साहब, वहाँ बात करें राजस्थान की तो सचिन पायलट को हर दो महीने में दिल्ली बुला लिया जाता है, वो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि वहाँ घमासान मचा हुआ है पंजाब में? आपको कर्नाटक नहीं दिखता है, आपको गुजरात नहीं दिखता है, जहाँ बहुत धमासान है और सुल्तान की सुल्तानी के बावजूद हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन के बीच में एक पतली रेखा होती है। मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी में, आंतरिक लोकतंत्र में सबको विश्वास है, सबको छूट है, पर वो इनडिसिप्लिन में कन्वर्ट ना हो, इसकी चिंता हमें हर कांग्रेसी को करनी है। लास्ट अनुराग सर, उपचुनाव को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भाग रही है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस दल का सेनापति नहीं है उस सेना के बारे में चर्चा क्या करना, कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है। जीतू भाई देना चाहते हैं? ऐसा है, तीन बातें, आप बयान देखो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ समय के, शिवराज सिंह जी या बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी क्या भाषा है, लोकतांत्रिक मर्यादा और अमर्यादा के भी बाद में कोई शैली आती है वो उस पर उतर आए हैं, किस तरीके की कमलनाथ जी की जात की बात कही गई, कमलनाथ जी की जात अगर उनको पूछना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछें कि उनका क्या केडर है, जाके पूछें वहाँ पर। जहाँ तक कमलनाथ जी का कांग्रेस पार्टी का और चुनाव का ताल्लुक है, यही बात दमोह में करते थे, उससे पहले भी ऐसे ही बयान आते थे, 17-18 हजार से मुंह की खानी पड़ी इस भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों चुनाव आएंगे, सारे उत्तर नरोत्तम मिश्रा के, सारे उत्तर शिवराज सिंह जी के, सारे उत्तर बीडी शर्मा के, जनता मुंह तोड़ जवाब दे के दे। जहां तक तैयारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं कि कांग्रेस के, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन ज्यादा तैयार है। हमारी पार्टी में, मैं समझ गया, हमारी पार्टी में कमलनाथ जी सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश के निर्णय सारे दिल्ली के कंसेंट से लेते हैं, और जहां तक अरुण यादव जी का प्रश्न है वो आप ही की टीवी पे चैनल पे बता चुके हैं कि मेरे नेता कमलनाथ हैं। मैं मानता हूं दिल्ली पर्सनल काम से जाना या किसी और गतिविधि, ये भी हो सकता है उनको टिकट के लिए बुलाया गया हो, आप कैसे कयास लगा रहे हैं कि किस लिए बुलाया, कमलनाथ जी ने बुलाया, तो ये बात करना कोई उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है, हमारे कैंडिडेट सही समय पर डिक्लेयर होंगे, हमारी पार्टी जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, सज्जन वर्मा जी ने 8 से 8 दिन पहले खंडवा लोकसभा की मीटिंग यहीं पे इसी जगह पे ली थी, और कमलनाथ जी ने 3 महीने पहले से चालू कर दिया, तो सारे बीजेपी के अमर्यादित बयानों का जवाब जनता देगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में देगी। धन्यवाद। एक सवाल मेरा आपको पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से, आपको कैसा लगा जब गुजरात का आदमी प्रधानमंत्री बना? देखिए, कौन आदमी क्या बनता है, हम देश के वासी है, वो बैठ के क्या करता है उससे लेना देना होता है।
अगर एक गुजरात का ठेला चलाने वाला यहाँ से अमेरिका जाके मोटेल का मालिक बनता है और अच्छा धंधा करता है, मुझे खुश होता हूँ मैं कि मेरा गुजराती वहाँ जाके अच्छा काम करता है। और मेरे पूरी दुनिया में हर गुजराती, गुजरात ना मेरा है ना मोदी का है, गुजरात महात्मा गांधी जी का है और गांधी जी के गुजरात पे हमें गुजराती होने के नाम पे फख्र है। धन्यवाद।